सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैथरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का उद्घाटन माननीय सांसद मुकेश राजपूत ने मां सरस्वती के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर एवं सतपाल सिंह राठौर विधायक अलीगंज जिलाधिकारी श्री अंकित अग्रवाल जी के हाथों से संयुक्त रूप से किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है, आज़ादी क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और ये अभियान क्या है, जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। यदि पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा उत्सव है जिसका अर्थ स्वतंत्रता की ऊर्जा का अमृत है, जिसका तात्पर्य क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों की स्वाधीनता का ऐसा अमृत है जो हमें सदैव देश के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है, हमारे मन में नई ऊर्जा, नई संकल्पों की क्रांति लाता है। आज़ादी जब हम अपनी खुशी के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहते तब हम सही मायने में आज़ाद हैं। अमृत महोत्सव का उद्देश्य हमें उन शहीदों को भी याद करना है जो हमारे इतिहास के प्रश्नों पर अंकित नहीं हो सके। शहीदों को याद करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ये अभियान क्या है? केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की ओर से आज़ादी के गौरवशाली 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया। यह 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले शुरू किया गया है। सांस्कृतिक मंत्रालय ने एक ऐप भी लॉन्च किया है। स्वास्थ्य मेले में आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा लगाई गई स्टॉल का बारीकी से निरीक्षण किया और संवाद स्थापित किया, जिसमें बच्चों के लिए बनाए गए TLM आदि पर विशेष वार्ता की गई और उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया शिक्षकों को। इसमें जो है शिक्षकों और बच्चों ने भी प्रतिभाग किया, बच्चों ने बड़े ही रुचि से इस स्वास्थ्य मेले में प्रतिभाग किया और स्कूल चलो अभियान के तहत आए हुए अभिभावकों को अपने बच्चों को स्कूल भेज। स्वास्थ्य मेले में आए हुए प्रसदी विद्यालय के बच्चों ने नारों के साथ अभिभावकों को जागरूक किया और संचारी रोगों के प्रति पैसा बचाओ, तीसरा गांव डिलीवरी के लिए सही जगह चुने, चौथा गांव सरकार की मुफ्त गाड़ी का लाभ उठाए, चार जरूरी चीज याद रखने के लिए मुझे शादी मंजूर है पर अभी नहीं। जी हाँ, अधिक नामांकन कराने के हेतु प्रसदी बच्चों ने अपने शिक्षकों के साथ और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ नारों के साथ मार्च पास्ट किया, जिससे अधिक से अधिक बच्चों का नामांकन किया जा सके। स्वास्थ्य मेले में आंगनबाड़ी बहनों ने भी प्रतिभाग किया और गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए उनका अन्नप्राशन किया गया। गर्भवती महिलाओं का वजन नापकर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया, छोटे बच्चों का भी वजन नापा गया, गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई और उनके अभिभावकों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए माननीय सांसद द्वारा शासन प्रशासन की ओर से बताई गई गाइडलाइन को समझाया गया। आंगनबाड़ी बहनों ने कुपोषित गर्भवती महिलाओं बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के लिए ये संदेश दिया गया कि सभी गर्भवती महिलाएं पौष्टिक भोजन का सेवन करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने और जांच कर उपचार प्राप्त करने के लिए ग्रामीण अंचल से आए हुए सभी लोगों ने माननीय विधायक, माननीय सांसद एवं जिलाधिकारी महोदय एवं स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने यह आयोजन